इन्फिनिक्स हॉट 9 29 मई को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, जिसका ऑफिशियल लैंडिंग फोटो फ्लिपकार्ट के ऊपर सामने आ चुका है। साथ ही में इन्फिनिक्स ने इस स्मार्टफोन का जो ऑफिशियल टीजर है उसको भी अपने ऑफिशियल साइट पे पोस्ट कर दिया है, जहां से इस डिवाइस का ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आ जाता है। सो दोस्तों, अगर आप एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे थे और आपका जो बजट है वो 7,000 रुपए के अराउंड है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डिवाइस हो सकता है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छी फीचर्स देखने को मिलेगी। साथ ही में इस डिवाइस का जो मेन की फैक्टर होने वाला है वो है इसका पंच होल डिस्प्ले और 5000mAh की एक पावरफुल बैटरी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी डिवाइस के ऑफिशियल कंफर्मेशन प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। सो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज की अपडेट लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस डिवाइस के बिल्ड और डिजाइनिंग के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको एक बहुत ही प्रीमियम बिल्ड और डिजाइन देखने को मिल जाता है। वो अलग बात है कि आपको एक प्लास्टिक बैग का डिजाइन देखने को मिलेगा, बट आपको इस डिवाइस का जो डिजाइन होगा वो काफी यूनिक देखने को मिलेगा। रिसेंटली जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें आपको इसी तरह का कुछ यूनिक डिजाइन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कैमरा मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो वैसा ही सेम आपको कैमरा मॉड्यूल MI Note 10 Lite में भी देखने को मिला था। सो डेफिनेटली डिजाइन के मामले में ये फोन काफी अच्छी क्वालिटी का होने वाला है। एंड उसके साथ अगर कैमरे की बात की जाए तो इस डिवाइस के रियर साइड में आपको क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्राइमरी 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक डेप सेंसर और एक लो लाइट के लिए आपको एडिशनल सेंसर देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको कैमरा के मामले में एक बहुत ही अच्छा एवरेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। एंड उसके साथ ही अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको 6.6 इंच का एक HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको सेल्फी के लिए एक पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आपको सेल्फी के लिए एक बहुत ही अच्छे डिसेंट क्वालिटी देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर बात करें दोस्तों इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो मीडियाटेक हीलियो A25 का चिपसेट आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक ओक्टा कोर CPU है और 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये डिवाइस बहुत ही हेवी यूजर्स के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप एक बहुत ही हेवी यूजर है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस डिवाइस को परचेस ना करें, बट अगर आप एक बहुत ही डिसेंट यूजर है तो आपके लिए ये डिवाइस काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपको इस डिवाइस के अंदर 5000mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपको नॉर्मल 10 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड साथ ही में अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस डिवाइस के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 के साथ 101.6.0 का UI इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इस डिवाइस का बेस वेरियंट आपको 7,000 रुपये के करीबन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको बेस वेरियंट 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। एंड उसके साथ ही अगर बात करें इस डिवाइस के हायर वेरिएंट की, तो 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको 7,999 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। एंड फाइनली बात करें इस डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में, तो इस डिवाइस को इंडिया के अंदर 29 मई को लॉन्च किया जाने वाला है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फाइनली अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ लवली डे।